Hello everyone, welcome to or welcome back to my channel. I have come up with a new video जहाँ पे मैं तुम्हें content writing के सारे basics clear करूँगी, जैसे कि what is content writing, what is the work of a content writing करते time कहाँ कहाँ पे लिखना होता है, scope of content writing, types of content writing, etc. etc. Overall, this is a complete short video on basics of content writing. So let's get started. But उससे पहले do not forget to subscribe to my channel. First thing first, what is content writing and how you can make money as a content writer? What is content writing? Content writing is the process of planning, writing, editing content, typically for web purposes. A person who writes such kind of content is called a content writer. Whatever you see on Google is the work of a content writer. Content writing is actually writing. जितना भी तुम Google पे देखते हो या जितना भी तुम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो या जितना भी तुम किसी भी मैगजीन में या कहीं पे भी देखते हो, एवरीथिंग इज़ अ वर्क ऑफ अ कंटेंट राइटर. अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ कंटेंट राइटर. एज अ कंटेंट राइटर यू हैव टू राइट मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट बेस्ड कॉन्टेंट, यानी कि तुम्हें इसमें टेक्स्ट बेस्ड कॉन्टेंट लिखना होता है. सिंपली दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि राइटिंग करनी होती है. Each type can serve a different purpose and promote the brand in a different way. The aim of every content is to target a specific audience. अब या तो तुम किसी ब्रांड के लिए राइटिंग कर सकते हो, या तो तुम किसी वेबसाइट के लिए राइटिंग कर सकते हो, या तो तुम किसी ब्लॉग के लिए राइटिंग कर सकते हो. और जहाँ जहाँ पर तुम राइटिंग करते हो उसकी ऑडियंस डिफरेंट होती है. सपोज अगर तुम किसी वेबसाइट के लिए लिख रहे हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो उसकी ऑडियंस वही लोग होंगे जो कि टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है. सेम वे अगर तुम किसी ऐसी वेबसाइट के लिए वर्क करते हो जिसपे ब्यूटी, हेल्दी लाइफस्टाइल या मेकअप के रिलेटेड कंटेंट लिखा जाता है, तो उसकी जो ऑडियंस होगी ज़्यादातर फीमेल ऑडियंस होगी और दे माइट बी इंटरेस्टेड, और इनफैक्ट आई वुड से दे आर इंटरेस्टेड इन मेकअप एंड अदर ब्यूटी रिलेटेड स्टफ. सो कंटेंट राइटिंग में जो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस होती है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट लिखना पड़ता है. एवरी राइट अप ऑफ योर शुड बी वेल रिसर्च्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द रीडर. द टोन ऑफ योर राइट अप कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, कॉन्वर्जेशनल, यूजर कॉन्टेंट बेस्ड, डिपेंडिंग वेयर यू आर राइटिंग एंड वॉट काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू आर राइटिंग. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जितना भी कंटेंट होगा वो किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को तो टारगेट करेगा ही करेगा, साथ में उस आर्टिकल की टोन डिफरेंट होगी. अब इसका मतलब क्या है, जितना भी तुम कंटेंट या जितने भी तुम आर्टिकल या जितने भी तुम राइटअप्स लिखोगे सब में वेल रिसर्च करी होनी चाहिए, सबका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर एक कॉन्टेंट फ्लो होना चाहिए. यानी कि तुम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे जो कि जनरली ऑडियंस सर्च करती है. जैसे कि अगर हम बात करें कंटेंट राइटिंग के बारे में, हमें एक कल आर्टिकल लिखना है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड करें जो कि ऑडियंस सर्च कर रही है. जैसे व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग, व्हाट आर द अर्निंग्स ऑफ कंटेंट राइटर, देन टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, व्हाट यू हैव टू डू इन कंटेंट राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जितने भी जनरल क्वेश्चंस ऑडियंस सर्च करती है वो सब तुम्हें अपने राइटअप में इंक्लूड करने होंगे. इसके बाद यहाँ पे लिखा है द टोन ऑफ योर राइटअप कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, कॉन्वर्जेशनल, यूजर इंटेंट बेस्ड, डिपेंडिंग वेयर यू आर राइटिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर राइटिंग. इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कंटेंट डाला जाता है. सपोज हमारी एक वेबसाइट है जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट हेल्थ, जैसे कि healthline.com, तो उस पर सिर्फ फॉर्मल जर्नलाइज्ड कंटेंट जाएगा, उसमें कोई कन्वर्जेशन नहीं जाएगा. जैसे कि तुम एक बुक में पढ़ते हो, अगर तुम कोई भी बायोलॉजी की या साइंस की बुक उठाओगे, जैसे उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन दी होती है, वैसे ही तुम्हें हेडलाइन जैसी वेबसाइट के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशनल फॉर्मल कंटेंट लिखना होगा. बट ऑन दी अदर हैंड कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स, उसके अलावा वो वेबसाइट जो कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ कर रही होती हैं, उनमें बहुत ही कॉन्वर्जेशनल और काइंड ऑफ सेमी फॉर्मल कंटेंट लिखा जाता है. मतलब कि तुम अपने कंटेंट के थ्रू ऑडियंस से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, इतना ज़्यादा एंगेज करते हो कि ऑडियंस को लगने लगता है कि जैसे तुम उसको सामने बैठ के कुछ समझा रहे हो. दैट इज़ अ कॉन्वर्जेशनल कॉन्टेंट और वो एक डिफरेंट टाइप की वेबसाइट के लिए लिखा जाता है. सेम वे उस कंटेंट को हम यूज़र इंटेंट कंटेंट भी कहते हैं, क्योंकि हम रिव्यू वेबसाइट्स में सिर्फ और सिर्फ वो ही लिखते हैं जो कि यूज़र को चाहिए होता है, जो कि यूज़र को समझ में आए और उसको हेल्प हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने में. अब ये बात हो गई कि तुम्हें कंटेंट राइटिंग में किस तरीके का और
का कंटेंट लिखना होता है। अब हम बात करते हैं द कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग, यानी कि तुम्हें कहाँ कहाँ पे लिखना हो सकता है। द फर्स्ट इज़ वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। जितनी भी गूगल पे तुम्हें वेबसाइट्स दिखते हैं, जितने भी ब्लॉग्स दिखते हैं, तुम्हें उन सब के लिए कॉन्टेंट लिखना हो सकता है। सेकेंड इज़ सोशल मीडिया। अगर तुम सोशल मीडिया पे जाओगे तो आजकल इंस्टाग्राम में कैप्शनिंग करी जाती है, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ट्विटर पे पोस्ट डाले जाते हैं और रील्स में कंटेंट बनाया जाता है, तो ये सारा कंटेंट भी तुम्हें लिखना हो सकता है इफ़ यू बिकम अ सोशल मीडिया कंटेंट राइटर। कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि पूरा वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं, यानी कि पूरी वेब कॉपी लिखते हैं। जब तुम किसी भी वेबसाइट पर लॉग इन करते हो जो कि किसी एक बिजनेस से रिलेटेड हो, सपोज अगर हम बात करें हम किसी भी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट पर जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक हमारा होता है लैंडिंग पेज होता है, एक होम पेज होता है, एक फीचर्स पेज होता है, एक अबाउट अस पेज होता है, एक होता है द सर्विसेज द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज प्रोवाइड, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वेबसाइट के थ्रू वो बताते हैं कि उनकी कंपनी क्या क्या करती है। तो ये सारा काम जो ये सारी चीज़ वेबसाइट पर लिखी होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ सेल्स कॉपी और अ वेब कॉपी एंड इट इज़ अ वर्क ऑफ अ कॉपी राइटर। उसके अलावा फोर्थ में यू कैन राइट ई बुक्स एंड कोर्सेज। आजकल काफ़ी सारे कोर्स क्रिएटर्स आ रहे हैं, कितनी सारी ई बुक्स लोग सेल कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो द वर्क ऑफ अ कॉन्टेंट राइटर। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। आजकल कितने सारे यूट्यूब क्रिएटर्स उभर के आ रहे हैं, उसके अलावा कितनी सारी वेब सीरीज आ रही हैं, वो सब भी इज़ अ वर्क ऑफ अ कॉन्टेंट राइटर। सो एज अ कॉन्टेंट राइटर तुम स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कभी कभार तुम्हें किसी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखनी हो सकती है, कभी कभार किसी पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट लिखनी हो सकती है, कभी कभार वीडियोज़ की स्क्रिप्ट लिखनी हो सकती है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इट, मतलब बेसिकली तुम्हें क्रिएटिव राइटिंग करके एक स्क्रिप्ट लिखनी। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि कॉन्टेंट राइटिंग क्या होता है, कॉन्टेंट राइटिंग में क्या करते हैं, कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग की, मतलब किस किस तरीके की कंटेंट राइटिंग होती है। सबसे पहले ब्लॉग राइटिंग, जो मैं समझा चुकी हूँ, जो कि इज सेम एज वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। द सेकंड इज एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में तुम्हें असाइनमेंट्स लिखने हो सकते हैं जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, या कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स या पीएचडी स्टूडेंट्स के, या उसके अलावा तुम्हें जो एकेडमिक पेपर्स होते हैं या जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी लिखने हो सकते हैं। द थर्ड इज वेब कॉपी एंड कॉपी राइटिंग। फोर्थ इज़ टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में तुम्हें UI डॉक्स, डिप्लॉयमेंट डॉक्स, वो सब लिखने होते हैं। टेक्निकल राइटिंग वही लोग कर सकते हैं जिनको अच्छे से टेक्निकल की बैकग्राउंड हो और जिनको अच्छी सी टेक्निकल नॉलेज हो। देन स्क्रिप्ट राइटिंग। अब स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैं बता चुकी हूँ, सारे हो गए बेसिक्स ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग। अब हम बात करते हैं कि तुम कॉन्टेंट राइटिंग कहाँ से लर्न कर सकते हो। एज ऑफ नाउ आई वोंट सजेस्ट यू कि तुम कॉन्टेंट राइटिंग का कोर्स करो। पहले कॉन्टेंट राइटिंग की मार्केट को अच्छे से समझ लो, जान लो उसमें होता क्या क्या है, उसके बाद ही तुम सोचना कोई भी कोर्स बाय करने की। जो सबसे अच्छे सोर्सेज मैं बताऊं तुम्हें कंटेंट राइटिंग सीखने के हैं, वो हैं यूट्यूब वीडियोस। मैंने खुद के चैनल पे अराउंड 50-60 कंटेंट राइटिंग की वीडियोस बनाई हुई हैं, हर एक बेसिक चीज़ और हर एक एडवांस चीज़ डिस्क्राइब करी हुई है। तुम जाके मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्रॉम व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग टू टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग टू टूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग टू हाउ यू कैन फाइंड जॉब्स इन कंटेंट राइटिंग। सब कुछ पे मैंने एक ना एक वीडियो ज़रूर बनाया है। उसके अलावा बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं इंटरनेट पे। अगर तुम स्किल शेयर, यूडेमी पे जाओ, या तुम एडुनॉक्स जो कि एक नई वेबसाइट है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उन सब पे जाओ, काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं। उसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। अगर तुम्हें पेड लेना हो, उनका भी कॉस्ट अराउंड 500,000 का आता है, वो तुम ले सकते हो। बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विथ फ्री कोर्सेज। उसके अलावा कॉन्टेंट राइटिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, तुम उनको पढ़ के भी कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो। सी दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें क्या सीखना है, कैसे अपना पाथ बनाना है। उसके अलावा द लास्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लाइक इट इज़ राइटली सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वैसे ही राइटिंग है, जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना ज़्यादा जो राइटिंग स्टाइल होगा वो इम्प्रूव होगा। मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं हाउ यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम उन वीडियोस को देखो और जाके समझो कि तुम कैसे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। जब तुम्हारा जो फर्स्ट राइटअप होगा वो कभी अच्छा नहीं होगा, बट सेकंड राइटअप फर्स्ट से बेटर होगा, थर्ड राइटअप सेकंड से बेटर होगा, और जो तुम्हारा 10th राइटअप होगा उस पर एक ड्रास्टिक डिफरेंस होगा, प्रोवाइडेड यू आर इवॉल्विंग एंड यू आर चेंजिंग योर स्टाइल, यू आर लर्निंग हाउ टू राइट बेटर। तो प्रैक्टिस इज़ द की टू लर्न कॉन्टेंट राइटिंग। तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, तुम्हें ये चीज़ खुद से ही करनी है अगर तुम्हें कॉन्टेंट राइटर बनना है।
Today, we are going to talk about top freelance content writing niches for this year. आज मैं तुम्हें उन content writing niches के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी इस साल बहुत ज़्यादा demand है. And believe me, ये आने वाले कुछ years में इसकी demand बढ़ती ही जाएगी. The first freelance content writing niche that will be very popular and in demand this year is alternative health. Mark my words, I am not talking about health content writing. I am choosing a sub-category, sub-niche of health, that is alternative health. आने वाले कुछ ईयर में जो हमारा alternative health है उसकी demand कई fold increase हो जाएगी. Experts कहते हैं जो alternative health की industry है इसके through 400 billion revenue generate होगा by the end of 2027. 400 billion is a lot of money. तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें writing की कितनी ज़्यादा demand होगी. अब अगर हम बात करें alternative health में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, उसमें तुम्हारी एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, थेरेपेटिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, देन आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनफैक्ट कोई भी मेडिसिन अपार्ट फ्रॉम एलोपैथिक जो हम रेगुलर मेडिसिन खाते हैं, मेडिकल साइंस वाली ड्रग्स, उसके अलावा जितने भी ऑल्टरनेटिव वेज होंगे, होम रेमेडीज होंगी और ये सारी चीज़ें होंगी तुम्हारे हेल्थ को क्योर करने के, वो सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिव हेल्थ में कवर होंगी. आजकल ऑल्टरनेटिव हेल्थ राइटर्स की बहुत डिमांड है. इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉगर्स आए हैं जो कि ऑल्टरनेटिव हेल्थ पर फोकस करते हैं. यही नहीं, जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं उनके अपने ब्लॉग्स हैं और वो सारे अपने ब्लॉग्स पर ऑल्टरनेटिव हेल्थ के बारे में ही लिखते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड इसकी बहुत डिमांड है. इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट हेल्थ और यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, गो एंड सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव हेल्थ. उसके बारे में रीड करो, उसको समझो और उस नीच पे ज़रूर से ज़रूर फोकस करना, क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने वाले हैं आगे जाके. इसके अलावा ऑल्टरनेटिव हेल्थ की एक बहुत बड़ी सब कैटेगरी है जो कि आजकल इन डिमांड में है, वो है कैनबीज. कैनबीज हमारी एक साइकोटिक ड्रग होती है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज जाती है फॉर हेल्थ बेनिफिट्स. उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. आई डोंट बिलीव इंडिया में उतनी इसकी डिमांड है, पर बाहर इसके थ्रू काफ़ी सारे हेल्थ ट्रीटमेंट हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं. इसी वजह से इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा लोग ब्लॉग्स और वेबसाइट्स बना रहे हैं. सो गो एंड ट्राई दिस इंडस्ट्री, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. इसके बाद आता है हमारा सेकेंड प्रॉफिटेबल कॉन्टेंट राइटिंग नीच फॉर दिस ईयर इज क्रिप्टो करेंसी. तुमने सुना होगा हर तरफ आजकल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो गेमिंग, NFTs, ब्लॉकचेन की धूम है. हर तरफ तुम्हें इस चीज़ों के बारे में सुन रहा होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई यूट्यूब हो, हर कोई इसमें इन्वेस्ट करके अर्न करना चाहता है. दे हैव बिकम अ न्यू ट्रेंड टू अर्न मोर एंड मोर मनी ऑनलाइन. आगे मैं इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियोज़ बनाने वाली हूँ. सो अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है और जानना है कि इससे तुम कैसे अर्न कर सकते हो, तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. क्रिप्टो करेंसी की आजकल जितनी ज़्यादा डिमांड है, उसी वजह से काफ़ी सारे वेबसाइट्स और ब्लॉग्स और काफ़ी सारे क्रिप्टोप्रेन्योर्स उभर के आए हैं. इन सबको कोई ना कोई राइटर चाहिए होता है कंटेंट बनाने के लिए. अब तुम ये कहोगे कि तुम्हें क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है, तो लेट मी टेल यू, नॉलेज किसी को भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी की उतनी ज़्यादा. एवरीबडी इज़ जस्ट गूगलिंग, सर्चिंग ऑन द इंटरनेट एंड ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स टू गेन नॉलेज. तो अगर तुम्हें नहीं आता, घबराओ मत. Go and study about this blockchain, these cryptocurrencies and NFTs. जब तुम अच्छे से समझ लोगे तो अपने पोर्टफोलियो के लिए 2-3 सैम्पल्स बनाना और फिर जितनी भी ये क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन की वेबसाइट्स हैं उनको जाके अप्रोच करना, जितने भी लिंक्डइन पे क्लाइंट्स हैं उनको जाके अप्रोच करना, यू विल गेट अ जॉब एंड आई कैन गारंटी यू इट विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दिस इज़ यूनिक नीश. और इस नीश में सबसे अच्छी बात यह है कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तुम्हें बहुत कम कॉन्टेंट राइटर्स मिलेंगे. तो आज ही राइट टाइम है कि तुम क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ो और इसकी राइटिंग शुरू करो. इसके बाद आता है हमारा लास्ट सबसे प्रॉफिटेबल इन डिमांड नीश जो आई बिलीव नेक्स्ट 20 इयर्स तक कहीं नहीं जाएगा, दैट इज राइटिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. अब डिजिटल मार्केटिंग में तुम्हारा एफिलिएट मार्केटिंग आ गया, तुम्हारा SEO आ गया, तुम्हारी ई कॉमर्स आ गई, तुम्हारा ईमेल मार्केटिंग आ गया, उसके अलावा तुम्हारा वेब कॉपीज, एड कॉपीज, ये सारी चीज़ें आ गई. अब जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले राइटर्स होते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है. उनको ये पता होता है कि सोशल मीडिया हैंडल्स कैसे रन करते हैं, उनके एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है और उन सारी चीज़ों के बारे में वो कैसे लिख के दूसरों को एक्सप्लेन करें.
इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग में राइटिंग करनी है तो यू कैन कम दोज डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, यू कैन कॉन्टैक्ट वेब होस्टिंग कंपनीज, यू कैन कॉन्टैक्ट एनीबडी हु इज़ इनटू वेब होस्टिंग और हु इज़ इनटू वेबसाइट डिज़ाइनिंग, क्योंकि जितनी भी ये सारी कंपनीज होती हैं इनको भी राइटर्स चाहिए होती हैं अपनी वेब कॉपी लिखने के लिए या अपना ब्लॉग लिखने के लिए या इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उसकी राइटिंग करने के लिए। तो अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है तो आई वुड सजेस्ट यू थोड़ी और नॉलेज गेन करो और लिंक्डइन पे भी इसके काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग के हो, चाहे वो तुम्हारे वेब होस्टिंग के हो, चाहे वो वेब डिज़ाइनर्स हो, उनको जाके अप्रोच करो। उनको या तो एक सोशल मीडिया राइटर चाहिए होगा या तो अगर उन्होंने कोई वेबसाइट्स बनाई है तो उसके लिए उन्हें कॉन्टेंट राइटर चाहिए होगा। इस तरीके से तुम एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। How to choose a freelance content writing niche? आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें एक freelance content writing niche choose करना चाहिए। freelance content writing niche choose करने के पीछे thought process और brainstorming कैसे करी जाती है और तुम कैसे अपने लिए एक profitable freelance content writing niche choose कर सकते हो। First thing first, what is a niche? Niche is a specialization in either a topic or a content type. यानी कि जो तुम्हारा नीश है वो डायरेक्टली करस्पॉन्ड करेगा कि तुम किस टॉपिक पे, किस कैटेगरी पे या किस एरिया में कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि जब तुम अपना नीश चूज़ करो तब यू शुड आल्सो डिसाइड योर कंटेंट राइटिंग टाइप, यानी कि तुम किस तरीके की आर्टिकल या राइटअप्स या ब्लॉग पोस्ट लिखोगे। तुम शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट लिखोगे कि तुम लॉन्ग फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट लिखोगे, कि तुम अल्टीमेट गाइड्स लिखोगे, कि तुम न्यूज़लेटर्स लिखोगे, कि तुम सेल्स कॉपी लिखोगे, कि तुम ईमेल्स लिखोगे या तुम वाइट पेपर्स लिखोगे। आई वुड सजेस्ट यू कि तुम हर एक टाइप की राइटिंग करना सीख लो जब तुम अपना नीश चूज़ करो, क्योंकि दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन, यू विल बी मोर वर्सटाइल। द सेकेंड थिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू ब्रिंग अप इन दिस वीडियो इज वेदर यू शुड नो योर कॉन्टेंट राइटिंग नीश, स्पेशली वेन यू स्टार्ट एज अ बिगनर कॉन्टेंट राइटर। द आंसर इज अ कम्प्लीट नो। इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें अपना नीश पता होना चाहिए जब तुम अपनी कॉन्टेंट राइटिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तुम स्टार्ट कर सकते हो एज अ जनरल फ्रीलांस कंटेंट राइटर, यानी कि तुम काफ़ी सारे मल्टीपल नीश पे राइटिंग कर सकते हो स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट। और लेटर 6 months या 1 year बाद जब तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें ये नीश में इंटरेस्ट है, तुम इस नीश में सबसे अच्छी राइटिंग कर सकते हो, तब यू कैन बी अ स्पेसिफिक और अ स्पेशलाइज्ड फ्रीलांस कंटेंट राइटर इन वन पर्टिकुलर नीश। ब्रॉडली स्पीकिंग फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट आर जर्नलिस्ट फ्रीलांस कॉन्टेंट राइटर। ये वो राइटर्स होते हैं हु कैन राइट ऑन मल्टीपल टॉपिक्स फ्रॉम फूड टू टेक टू हेल्थ। द सेकेंड कैटेगरी इज स्पेशलाइज्ड फ्रीलांस कॉन्टेंट राइटर्स। एज द नेम सजेस्ट दे हैव स्पेशलाइजेशन इन वन पर्टिकुलर नीश, इन वन पर्टिकुलर टॉपिक और इन वन पर्टिकुलर कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल आई एम समबडी हु कैन राइट ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स और राइटअप्स ऑन पेरेंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ science and tech products. So I would call myself as a generalist freelance content writer. But on the other hand, my friend, she writes only on finance content writing niche, and that too a sub-subtopic that is cryptocurrency. So she would call herself as a finance content writer, or you can say as a cryptocurrency content writer. Ab, बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि तुम अगर कंटेंट राइटिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो डू नॉट फोकस ऑन योर नीश, एक्सप्लोर द मार्केट, बी अ जर्नलिस्ट फ्रीलांस कंटेंट राइटर। काफ़ी सारे नीश में राइटिंग करो और देखो कि कौन कौन से ऐसे नीश हैं जिस पे तुम इजीली और बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। और उसके बाद आफ्टर 6 months और 1 year इफ यू फील लाइक यू कैन बी अ स्पेशलाइज कॉन्टेंट राइटर इन वन पर्टिकुलर नीश, डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट एंड डिपेंडिंग ऑन योर राइटिंग स्किल इन दैट पर्टिकुलर नीश। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हाउ यू कैन नो विच फ्रीलांस कॉन्टेंट राइटिंग नीश इज बेस्ट फॉर यू। इसके लिए सबसे पहले चीज़ जो तुम्हें करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नॉलेज और एक्सपर्टाइज। इसका सबसे सीधा सीधा थॉट प्रोसेस ये होता है कि जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है वो नीश तुम इजीली चूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके बारे में तुम्हें पता होगा।
फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी सो आई कैन राइट ईजली अबाउट हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल टॉपिक्स सो हेल्थ कैन बी वन ऑफ माई फ्रीलांस कॉन्टेंट राइटिंग नीश बट अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सिर्फ एक ही नीश ढूंढ पाओगे तो इसके लिए तुम्हें कुछ और थोड़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है ताकि तुम बाकी नीश के बारे में भी पता कर सको जो तुम्हें इंटरेस्ट करे। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मार्केट रिसर्च कर लेनी है, ये पता कर लेना है कि मार्केट में एज ऑफ नाउ कौन से प्रॉफिटेबल फ्रीलांस कॉन्टेंट राइटिंग नीश हैं। इस पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। तुम उस वीडियो को देखकर भी पता लगा सकते हो कि मार्केट में आजकल कौन कौन से नीश ट्रेंडिंग हैं, किन पे वर्क मिलता है। अब उन सारे नीश में से तुम्हें कुछ 5 ऐसे कंटेंट राइटिंग नीश चूज़ करने हैं जो तुम्हें इंटरेस्ट करते हों। सपोज़ मैंने चूज़ करा डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवल, एजुकेशन ब्लॉग्स, देन हेल्थ राइटिंग एंड पेरेंटिंग। इन 5 को चूज़ करने के बाद मुझे इनको फर्दर सॉर्ट आउट करना है, मुझे ये देखना है इन 5 में से कौन से ऐसे 2 नीश हैं जिन पे मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मुझे इस पे एक्सपीरियंस है, मुझे इस पे नॉलेज है और मुझे इस पे राइटिंग करने में इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसा करके तुम्हें 2 नीश और मिल जाएंगे। सो इन टोटल तुम्हारा एक क्वालिफिकेशन वाला नीश और जो रिसर्च करके 2 नीश निकाले हैं वो 3 तुम्हारे जो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग नीश हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ नोइंग द मार्केट ऑफ योर नीश। प्रीवियसली जो तुमने 3 नीश चूज़ करे हैं तुम्हें ये चेक करना है उन तीनों नीश में मार्केट कैसा है, यानी कि उन तीनों नीश में मार्केट में अच्छा खासा बल्क वर्क अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बल्क वर्क अवेलेबल होगा तभी तुम एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम कर सकते हो उन नीश पे फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करके। तुम्हें गूगल करके ये सर्च करना है कि जो नीश तुमने चूज़ करे हैं उसमें बेस्ट पब्लिकेशन हाउसेज कौन कौन से हैं, स्टार्टअप कौन कौन सी हैं, बेस्ट वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, बेस्ट मैगजीन्स कौन कौन सी हैं, या और किन कंपनीज़ को या और किन इंडस्ट्रीज़ को उस नीश में राइटअप्स चाहिए होंगे। जनरली आजकल के जितने भी पॉपुलर नीश हैं उन सब पे काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। अगर जैसे हम बात करें ट्रैवल की, तो ट्रैवल नीश में काफ़ी सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जैसे कि थ्रियोफीलिया, मेक माई ट्रिप, यात्रा, हॉलीडे इन। इसके अलावा जितने भी ये तुम्हारे रिजॉर्ट्स होते हैं या होटल्स होते हैं वो भी आजकल अपने ब्लॉग्स बनाते हैं और उन्हें अपने ब्लॉग्स के लिए काफ़ी सारे ट्रैवल कॉन्टेंट राइटर्स चाहिए होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एक ट्रैवल कंटेंट राइटिंग नीश है उसका मार्केट काफ़ी अच्छा है, उसमें बल्क वर्क काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो तुम्हें ऐसे ही रिसर्च करके ऐसे ही एनालाइज़ करना है जो नीश तुमने चूज़ करे हैं उनमें अच्छा खासा मार्केट है कि नहीं। अब जब हमने चूज़ कर लिया कि हमें कौन कौन से नीश पसंद है और जो हमने नीश चूज़ करे हैं उस पर अच्छा खासा मार्केट है कि नहीं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। या तो हम जितने हमने नीश चूज़ करे हैं उन सब में राइटिंग शुरू कर दें, यानी कि हम एक जर्नलिस्ट कंटेंट राइटर बन जाए और उन तीनों मल्टीपल नीश पे राइटिंग शुरू कर दें, या तो इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट तुम उन तीनों नीश में से एक नीश पिक करके एक स्पेशलिस्ट फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन सकते हो। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, बट आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट एज अ जर्नलिस्ट कॉन्टेंट राइटर ओनली, क्योंकि जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तुम्हें मार्केट की नॉलेज हो जाएगी तभी तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे लिए क्या सही है। अब जब तुमने अपना नीश चूज़ कर लिया तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ अपने सैम्पल्स रेडी करने हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना है और फिर क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट कर देना है। Whether you are a beginner content writer or an expert freelance content writer, you should definitely have your portfolio to win clients. तुम पोर्टफोलियो के थ्रू अपने क्लाइंट को यकीन दिलाते हो कि यू आर समबडी हु कैन राइट अमेजिंग ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट। इसलिए तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर तुम्हें नहीं पता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक अ फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो आर योर सैम्पल्स। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले 3 to 6 सैम्पल्स ऑलरेडी राइट करके रखो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम पोर्टफोलियो बनाओगे तो तुम्हें इजी लगेगा।
इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन है कि सैम्पल्स कैसे बनाते हैं, सैम्पल्स किस टॉपिक पे बनाएं, किस नीश पे बनाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। टू मेक अ वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुम्हारे सैम्पल के लिंक्स हों। अब तुम अपने पोर्टफोलियो में सैम्पल के लिंक्स कैसे डाल सकते हो? तुम लिंक तभी डालोगे जब तुम्हारे सैम्पल्स पब्लिश होंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम अपने सैम्पल्स किसी भी डॉक फाइल या पीडीएफ फाइल में अटैच नहीं करते, हम अपने सैम्पल्स के सिर्फ लिंक डालते हैं इन प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊँगी कि कैसे तुम अपने सैम्पल्स को फ्री में पब्लिश कर सकते हो, ताकि पब्लिश करने के बाद उन सैम्पल्स के लिंक तुम अपने पोर्टफोलियो में इंसर्ट कर सको। The first way to build your content writing portfolio is by writing and publishing your articles on Medium. Medium is absolutely free. You can write unlimited kind of content on Medium irrespective of the niche. तो मीडियम पे कोई भी स्टोरी, कोई भी ब्लॉग पोस्ट, कोई भी आर्टिकल, किसी भी टाइप का कंटेंट, किसी भी टाइप की ओपिनियन राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, नैरेटिव एसेज, whatever you wish you can write on Medium irrespective of the niche. तुम्हें Medium पे कोई niche का भी foundation नहीं है, तुम्हारे जो मन में आए तुम वहाँ पे लिख कर पब्लिश कर सकते हो। और जब तुम अपना content Medium पे पब्लिश करोगे तो तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, और फिर तुम्हें ये जो Medium का लिंक है यही अपने पोर्टफोलियो में अटैच करना है एज अ सैम्पल। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करने चाहूँगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, सपोज़ उनका कोई एक ब्लॉग है या उन्होंने कोई एक आर्टिकल किसी और क्लाइंट के लिए लिखा, तो वो क्या करते हैं, वो सेम आर्टिकल कट कॉपी पेस्ट करके मीडियम पे पेस्ट कर देते हैं। और अगर तुम ऐसा करोगे जो तुम्हारा आर्टिकल है, मीडियम उसको प्लेजराइज्ड मानेगा। उसको तो नहीं पता कि जहाँ जिस ब्लॉग से तुमने कॉपी पेस्ट करा है या जिस वेबसाइट से वो कॉपी पेस्ट करा है वो तुम्हारा ही आर्टिकल है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट तुम मीडियम पे वही आर्टिकल पब्लिश करना जो कि यूनिक हो, जो किसी भी क्लाइंट ने या तुमने अपने ब्लॉग पे पब्लिश ना करे हों। अब एक और चीज़ मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग डिफरेंट आर्टिकल्स ऑन मीडियम। मीडियम पे काफ़ी सारे हाई क्वालिटी और बहुत ही एक्सपर्ट राइटर्स लिखते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो मीडियम पे जो ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं उनको तुम रीड करो। अगर तुम उनको रीड करोगे तो यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट राइटिंग। जो उनका राइटिंग स्टाइल होता है दैट इज़ लाइक एब्सोल्यूटली मार्वलस। कोशिश करो जो मीडियम पे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं उसमें से एक तो तुम रोज़ पढ़ो ही पढ़ो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी राइटिंग ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। द सेकेंड वे टू पब्लिश योर आर्टिकल फॉर फ्री इज़ वी आर गेस्ट पोस्टिंग। सबसे पहली बात, वॉट इज़ गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग इज़ राइटिंग आर्टिकल्स फॉर सम अदर वेबसाइट एज अ गेस्ट। तुम एक ऐसी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखोगे जिसके तुम रेगुलर राइटर नहीं हो, पर एज अ गेस्ट अपना एक आर्टिकल तुम उनकी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे। अब ऐसा करने के लिए यू हैव टू अप्रोच सेवरल वेबसाइट्स जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हों और तुम्हारी नीश में हों। अब हम बात करें कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हैं और तुम्हारे नीश में भी हैं। उसके लिए वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप सर्टन कीवर्ड्स ऑन गूगल एंड सर्च। जैसे कि तुम्हारा नीश है हेल्थ, नीश प्लस सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। अगर तुम ये टाइप करोगे गूगल पे तो तुम्हें एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिल जाएगी। इसके अलावा एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे, इनमें में से भी अगर तुम कोई भी कीवर्ड गूगल पे डालोगे तो भी तुम्हें वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि तुम्हारे नीश में होंगे और जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहे होंगे। एक एग्जाम्पल देके दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने गूगल पे टाइप करा हेल्थ प्लस राइट फॉर एस प्लस गेस्ट पोस्ट। अब ऐसा करते ही मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही होंगी। अब ये देखो, जो सबसे पहली वेबसाइट है 10toread.com, इसने मुझे एक लिस्ट दे दी 400 वेबसाइट्स की जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही थी। और अल्टरनेटिवली अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी तो मुझे यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल वेबसाइट्स भी मिलेंगी जो कि हेल्थ के रिलेटेड हैं और जो कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हैं, जैसे कि ये healthcareblog.com, उसके अलावा unthinkable.com, उसके अलावा 99myhealthtips और उसके बाद
हेल्थ राइटर हब। अब तुम्हें ऐसा करने के बाद एक लिस्ट निकाल लेनी है उन वेबसाइट्स की जिन्हें तुम्हें अप्रोच करना है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट 20-30 वेबसाइट्स की लिस्ट निकाल लो और उनको अप्रोच करो गेस्ट पोस्टिंग के लिए। आई एम वेरी श्योर अगर तुम 30 वेबसाइट्स को मेल करोगे उसमें से 5 to 6 तो रिप्लाई कर ही देंगी और उसमें से 5 to 6 तो रेडी होंगी ही गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करने के लिए। जब तुम्हारा वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश कर दे, तो फिर वो जो लिंक होगा तुम उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। द थर्ड वे टू पब्लिश योर आर्टिकल इज बाय राइटिंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज इक्वली गुड फॉर फाइंडिंग जॉब्स ऑल्सो। इसके लिए सबसे पहले अगर तुम्हारा कोई लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है, तुम्हें लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना होगा और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होगा। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि अपनी अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपने एक ऑलरेडी वीडियो में बनाई हुई हैं, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़, जब तुमने अकाउंट बना लिया, तुम्हारे अकाउंट को अपने ऑप्टिमाइज कर लिया, उसके बाद हियर यू कैन सी यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ राइटिंग आर्टिकल। तुम्हें इस ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे यू कैन डायरेक्टली राइट एन आर्टिकल हियर और इवन यू कैन कॉपी पेस्ट। यहाँ पे तुम्हें सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि फीचर इमेज डालने के, हेडलाइन लिखने के, बुलेट पॉइंट लिखने के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। सबसे अच्छी बात लिंक्डइन की ये है कि यहाँ पे तुम्हें आर्टिकल पब्लिश करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी होगी। यू आर फ्री टू राइट एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन। बहुत लोग मुझसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि कॉन्टेंट राइटिंग के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो के लिए सैंपल्स कैसे रेडी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए मैंने इस पोर्टफोलियो मेकिंग प्रोसेस को 2 parts में डिवाइड करा है। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि तुम्हें कॉन्टेंट राइटिंग पोर्टफोलियो के लिए सैंपल्स कैसे रेडी करने हैं और उसके अलावा अपने सैंपल्स को फ्री में पब्लिश कैसे करना है। अब ये पोर्टफोलियो मेकिंग प्रोसेस का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्रैक्टिकली एक लाइव एग्जाम्पल दिखाकर कि तुम्हें कैसे ये पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो में सैंपल लिंक्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है टू विन क्लाइंट्स। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई डायरेक्टली शोइंग यू एन एग्जाम्पल। मैं तुम्हें सीधा एक पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल दिखाऊंगी और मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो मैंने पोर्टफोलियो है ये कैनवा पे क्रिएट करा हुआ है। मैंने कैनवा पे जो जैकलिन थॉम्सन ये वाला टेम्पलेट है इसको यूज़ करा है। यू आर फ्री टू यूज़ एनी टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस और यू कैन यूज़ एनी अदर पोर्टफोलियो वेबसाइट्स ऑफ योर चॉइस। इसके अलावा अगर तुम्हें नहीं पता है कि कैनवा को कैसे यूज़ करते हैं, कैनवा पे कैसे तुम टेम्पलेट ढूंढ सकते हो, तो मैंने उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। किसी भी पोर्टफोलियो में, चाहे वो किसी भी स्किल के लिए हो, उसमें अराउंड 5 to 6 पेजेस होते हैं। इसमें सबसे पहला पेज होता है तुम्हारा नेम एंड प्रोफेशन, सेकंड पेज होता है अबाउट मी, थर्ड पेज होता है अबाउट माय सर्विसेज, फोर्थ पेज होता है तुम्हारा टेस्टिमोनियल्स, फिफ्थ पेज होता है तुम्हारा सैम्पल्स, इस केस में तुम्हारे कॉन्टेंट राइटिंग सैम्पल के लिंक्स, और सिक्स पेज होता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट मी। अब इन पेजेस को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर तुम एक बिगनर हो तो तुम टेस्टिमोनियल पेज हटा दो, अगर तुम एक एक्सपर्ट या मीडियोकर हो, तुम्हारे पास टेस्टिमोनियल्स है, यू कैन ऐड दैट। उसके अलावा अगर तुम्हें 2-3 तरीके के सर्विसेज पैकेजेस हैं तो तुम उनको भी ऐड कर दो। मतलब अपने अकॉर्डिंग इन पे तुम कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अब ये पोर्टफोलियो का एक एग्जाम्पल है, इसमें द फर्स्ट पेज इज दिस। यहाँ पे मैंने मेरा एक फ़ोटो, मेरा नाम और मेरा प्रोफेशन, तीनों चीज़ें मेंशन करी ही हैं। और यू कैन से इन वन लाइन व्हाट ऑल यू डू, अनम सिद्दीकी, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट एंड अ फ्रीलांस एसईओ कंटेंट राइटर। आई वुड सजेस्ट यू कि तुम अपना एक प्रोफेशनल फ़ोटो ही इस पे लगाओ। इसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज, दैट इज़ अबाउट मी पेज। इन दिस पेज आई हैव रिटन ऑल अबाउट माई सेल्फ, ऑल अबाउट अनम। Hey, I have been a professional online writer and a content strategist for over 4 years. I combine my SEO knowledge along with my writing to bring you content that readers get hooked on. My expertise niche are health, digital marketing and education. अब इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक स्टॉक फोटो भी ऐड करा है जस्ट टू मेक इट लुक मोर फैंसी एंड मोर अट्रैक्टिव। यू आर फ्री टू यूज़ एनी फोटो ऑफ योर चॉइस और यू कैन इवन यूज़ योर ओन फोटो। अब जो अबाउट मी पेज होता है इसमें तुम्हें 3-4 लाइन में अपने बारे में कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ और अपना एक्सपर्टाइज और ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो कि तुम्हें लगता है क्लाइंट को जानना ज़रूरी है। जैसे कि तुम अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हो, तुम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, और इसके अलावा तुम अगर तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल है उनको भी बता सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा आर्टिकल है या कोई भी ऐसा सैम्पल है जो तुम्हारा फीचर
हुआ है किसी भी वेबसाइट पे, तुम उसको भी यहाँ पे बता सकते हो. मूविंग ऑन टू द थर्ड पेज, दैट इज अबाउट योर सर्विस पेज. इस पेज में आई हैव रिटन, आई कैन राइट ब्लॉग पोस्ट, एफिलिएट कॉन्टेंट, आई कैन डू कॉन्टेंट एडिटिंग, आई कैन डू कॉन्टेंट प्लानिंग. इसके अलावा इन फोर सर्विसेज के बारे में मैंने एक एक लाइन भी ऐड करी है. वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर इज कि सर्विसेज इज समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सपोज अगर तुम्हें कॉन्टेंट एडिटिंग और कॉन्टेंट प्लानिंग नहीं आती है, तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन एड मोर सर्विसेज लाइक कॉपी राइटिंग, SEO कॉन्टेंट राइटिंग, केस स्टडी राइटिंग, लैंडिंग पेज राइटिंग, वेब कॉन्टेंट राइटिंग, और यू कैन इवन राइट अबाउट ईमेल मार्केटिंग, और यू कैन इवन राइट अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग. तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस किस तरीके का कॉन्टेंट लिख सकते हो, किस किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और उसको यहाँ पे ऐड करना है. मेक श्योर करना कि तुम 4 से 5 या 6 सर्विसेज तो यहाँ पे ऐड करो ही करो. मैंने तुम्हें ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा एलैबोरेट में समझा दिया कि सर्विसेज वाला पेज तुम्हें कैसे लिखना है. नेक्स्ट, द फोर्थ पेज इज योर टेस्टिमोनियल पेज. टेस्टिमोनियल्स आर शॉर्ट कोट्स और आई वुड से 1 or 2 लाइन्स फ्रॉम योर प्रीवियस क्लाइंट्स फॉर यू हु हैव वर्क्ड फॉर. अब अगर तुम एक बिगनर हो तो तुम्हारे पास टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे, तो तुम क्या करना, इस टेस्टिमोनियल पेज को रिमूव कर लेना. और आगे से ध्यान रखना, अगर तुम किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो तो उससे एक अपने लिए टेस्टिमोनियल जरूर लिखवा लेना. अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, दैट इज योर सैम्पल पेज. टू साउंड एंड लुक प्रोफेशनल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ सैम्पल लिंक्स डालो. तुम किसी भी ड्राइव से या MS Word या PDF लिंक्स यहाँ पे पेस्ट नहीं करो, या कोई भी आर्टिकल को कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मत डालो. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सैम्पल लिंक्स डालने हैं. सैम्पल लिंक्स कैसे बनाते हैं, उसको पब्लिश कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी Part 1 में बताया हुआ है. अब ये देखो, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 2 सैम्पल लिंक्स डाले हुए हैं. सो जैसे ही तुम इन सैम्पल पे जो लिंक है उन पे क्लिक करोगे, तो मैं एक दूसरे टैब में एक जो मेरा आर्टिकल है वो ओपन हो जाएगा. सी, दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट मेक यू लुक लाइक यू आर समबडी जिसको काम अच्छे से आता है, हु इज इंटरेस्टेड, हु इज डेडिकेटेड एंड हु इज पैशनेट अबाउट हिज और हर वर्क. और फिर लास्ट में आता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट अस पेज, जहां पे तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ऐड करना है. सो दैट्स इट. इसी तरीके से तुम अपना फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हो. बट उसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें मेंशन करना चाहूँगी. सबसे पहला पॉइंट्स, गो टू कैनवा, सर्च डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स. उसके अलावा तुम अगर गूगल पे भी सर्च करोगे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, तुम्हें एक लिस्ट मिल जाएगी और तुम्हें काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी. यू हैव टू बी क्रिएटिव, अपने स्टाइल अपने स्किल के अकॉर्डिंग कोई भी पोर्टफोलियो टेम्पलेट चूज करो. Second thing that I want to put here is be very wise when you choose your color palette and when you choose your font. Make sure that tum color palette use karo wo bahut hi sober subtle ho. Don't make it too loud. Same way jo tum font choose karo wo bahut clear ho, italics ya bahut drama wali writing ya bahut fancy font choose karne ki zarurat nahi hai. Third thing that I want to put across is do not copy this portfolio. ये सिर्फ एक example था. Be creative, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा smart work करो और अपने according, अपने skill के according, अपने experience के according एक अच्छा सा portfolio ready करो. Now last comes the most important thing कि how you can get content writing jobs. Content writing jobs पाने के तो काफ़ी सारे तरीके हैं. And the first one is cold pitching. The only way to get clients is cold pitching. इसके अलावा high ticket clients तुम्हें सिर्फ और सिर्फ cold pitching के through ही मिल सकते हैं. Today in this video I will give you a step by step guide to cold pitching. You can call this video as a master class to cold pitching and to get high quality, high paying content writing clients. First thing first, अगर तुम्हें नहीं पता कि cold pitching क्या है, I want to start by telling you what is cold pitching. Cold pitching is a process in which you shoot email to your prospects. अब यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो तुम्हारे डिजिटल मीडिया हाउसेस हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हो सकती हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, कोई बिग ब्रांड्स, स्मॉल ब्रांड्स या कोई भी सोलोप्रेन्योर्स, ब्लॉगर्स, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जो कि तुम्हारी नीश या तुम्हारी कैटेगरी को बिलोंग करते हों. अब तुम्हें यहाँ पे एक या दो नहीं, बल्क में प्रॉस्पेक्ट्स को मेल करना है ताकि उस बल्क में से कुछ ना कुछ तुम्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल जाएं. अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड की कि तुम्हें कोल्ड पिचिंग कैसे स्टार्ट करनी है. कोल्ड पिचिंग का नंबर 1 स्टेप इज क्रिएट योर पोर्टफोलियो और मेकिंग योर पोर्टफोलियो.
कोल्ड पिचिंग में सबसे पहले तुम्हें अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, अपने सैम्पल्स को फ्री में पब्लिश कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है पोर्टफोलियो पे। उसमें 3 वीडियोज़ हैं, उन तीनों वीडियोज़ को 1 by 1 जाके देखो, तुम अपना पोर्टफोलियो बहुत ईजिली बना लोगे उन वीडियोज़ को देखने के बाद। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 2, जहाँ पे तुम्हें एक स्प्रेडशीट प्रिपेयर करनी है, एक शीट प्रिपेयर करनी है अपने उन प्रोस्पेक्ट्स की जिनको तुम्हें कोल्ड पिच करना है। इसके लिए यू हैव टू कम टू माई डैशबोर्ड, वहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें ये स्प्रेडशीट कैसे प्रिपेयर करनी है, ताकि तुम्हारे लिए और भी ईजी हो जाए पूरा कोल्ड पिचिंग का प्रोसेस। अब ये मेरा कोल्ड ईमेल पिच ट्रैकर का एक्सेल शीट है। अब यहाँ पे मैंने एच तक कॉलम्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट इज़ कंपनी नेम, जहाँ पे मैं जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनकी कंपनी का नाम लिखती हूँ। सेकंड इज़ वेबसाइट, उनकी जो भी वेबसाइट है वो लिखती हूँ। अब इसके बाद है कैटेगरी, अगर उनकी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, सपोज अगर हम किसी डिजिटल मीडिया हाउसेज की बात करें, तो उनके पास एक है हेल्थ की वेबसाइट, उसके अलावा एक है एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट, तो हम वो यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल ऑलमोस्ट हर एक कंपनी का अपना एक ब्लॉग है, तो ये ज़रूर देखना कि उनके पास ब्लॉग है कि नहीं, क्योंकि अगर ब्लॉग होगा तो यू कैन वर्क परमानेंटली विद देम एज देयर ब्लॉग राइटर। नेक्स्ट इज़ कोल्ड पिच डेट, तुमने किस कंपनी को कौन से दिन कोल्ड पिच करा है। उसके बाद फॉलो अप 1 एंड फॉलो अप 2, फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सारी कंपनीज के बाद बहुत सारे मेल्स आते हैं, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि तुम इन सारी प्रॉस्पेक्ट्स को 2 बार तो फॉलो अप करो ही करो। ऐसा करने से क्या होता है, देर आर चांसेस कि तुम्हारा मेल वो पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट रीड करेगा, एंड उसके अलावा the prospect will feel that you are really interested, that you are somebody who can provide good work, who is sincere and who really wants to work for them. उसके बाद है हमारा response, ये जो response का column है ये बहुत fruitful होता है future में जाके, जब से तुम future में वापस से अपनी इस email pitch tracker पे और companies add करोगे, तो you can make sure कि तुम किसी भी company को दोबारा से cold pitch करके अपना time तो waste नहीं कर रहे। अब आई वुड सजेस्ट यू स्टार्टिंग में एटलीस्ट मेक अ कंपनी लिस्ट ऑफ अराउंड 200 to 300 प्रॉस्पेक्ट्स। अब तुम्हें एक वीक लगेगा 200-300 कंपनीज निकालने में, इनफैक्ट आई वुड से उससे भी कम लग सकता है अगर तुम सही तरीके से निकालो। इसका एक बहुत ही ईजी तरीका है, तुम गूगल पे जाओ, अपना नीच डालो हेल्थ ब्लॉग्स प्लस मीडिया हाउस या हेल्थ ब्लॉग्स प्लस ईमेल, अगर ऐसे करके डालोगे तो तुम्हें काफ़ी सारी कंपनी की लिस्ट दिख जाएगी। अब ये हो गया हमारा स्टेप 2, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 3। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3, वेयर यू हैव टू एक्चुअली राइट अ कोल्ड ईमेल। लेट मी टेल यू कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ एक कोल्ड ईमेल लिखकर और जितनी भी कंपनी लिस्ट तुमने बनाई है अपनी स्प्रेडशीट में उन सबको सेम ईमेल भेजोगे, तो आई एम टेलिंग यू इन एडवांस यू आर नॉट गोना गेट एनी काइंड ऑफ वर्क और एनी क्लाइंट, क्योंकि हर एक प्रोस्पेक्ट को हर एक क्लाइंट को अच्छे से समझ में आ जाता है कि उस जो भी वो मेल पढ़ रहा है उस पर्टिकुलर इंसान ने कितना हार्ड वर्क करा है, कितना पैशनेट है वर्क के लिए। इसीलिए आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि तुम पर्सनलाइज्ड ईमेल बनाओ। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि अगर सपोज तुमने 500 कंपनी नेम्स लिखे हैं या 500 प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, तो इट इज़ लाइक वेरी ट्रबलसम और इट विल बी वेरी हेक्टिक टास्क फॉर यू टू टाइप 500 कोल्ड ईमेल्स। इसीलिए मैं एक सीक्रेट हैक लेकर आई हूँ, आई विल टेल यू कि तुम एक ऐसा कोल्ड ईमेल बनाओ जो कि सबके लिए वैलिड हो, पर उस ईमेल में तुम्हें कुछ और लाइंस एडिट करनी है हर एक प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। ऐसा करने से तुम्हारा ईमेल पर्सनलाइज भी हो जाएगा और साथ साथ तुम्हारी मेहनत भी हाफ हो जाएगी। ऐसे ईमेल का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ और उसके लिए यू हैव टू कम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। अब ये हमारा ईमेल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन कंटेंट एट दिस कंपनी। अब यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं अप्लाइंग फॉर अ कंटेंट राइटर, अप्लाइंग फॉर अ कॉपी राइटर, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को कॉन्टेंट राइटर या कॉपी राइटर की ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद हेलो कंपनी नेम क्लाइंट नेम, आई एम रीचिंग आउट टू सी इफ़ यू नीड समवन हु कैन हेल्प विद कॉन्टेंट एट द कंपनी नेम, माई नेम डैश आई एम अ डैश बेस्ड फ्री लैंस SEO कॉन्टेंट राइटर और SEO कॉपी राइटर और वेबसाइट कॉन्टेंट राइटर और वट एवर यू कॉल योर सेल्फ। देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर क्वालिफिकेशन, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी विद अ डिग्री इन दिस एंड सिंस देन आई हैव बीन राइटिंग वेबसाइट कॉन्टेंट, वेब कॉपीज, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ब्लॉग्स फॉर वेरियस कंपनीज एंड वेबसाइट इन दिस डैश इंडस्ट्री। अब अगर तुमने अभी तक फाइनलाइज नहीं करा है कि तुम्हारा नीच क्या है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि तुम्हारी प्रॉस्पेक्ट की जो भी कंपनी है, सपोज तुम्हारा जो प्रॉस्पेक्ट हेल्थ इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, तो यू कैन राइट इन द हेल्थ इंडस्ट्री। अगर तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट किसी एजुकेशनल इंडस्ट्री का है, तो यहाँ पर राइट इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। उसके बाद माई क्लाइंट्स दिस।
अगर तुमने कभी प्रीवियसली किसी क्लाइंट के लिए वर्क करा है तो उनका नाम तुम मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर नीश में तुमने उस क्लाइंट के लिए किस किस तरीके के आर्टिकल लिखे हैं और तुम्हारा हिट ब्लॉग पोस्ट क्या था, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हें एक अचीवमेंट मिला हो, या कोई भी ऐसा ब्लॉग पोस्ट जो रैंक कर रहा हो, या कोई भी सोशल मीडिया के एग्जाम्पल्स। उसके बाद आई कैन हेल्प यू विद राइटिंग ईमेल, न्यूज़ लेटर्स, लैंडिंग पेजेस, कॉन्टेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एनी ऑफ योर अदर कॉन्टेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग नीड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑफ माई वर्क इन द डैश इंडस्ट्री, हैव अ लुक एट माई पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे तुम्हें अपने पोर्टफोलियो का लिंक अटैच करना है, या तुम क्या कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो ईमेल यहाँ पे मेल के साथ अटैच कर सकते हो। उसके बाद आई हैड बी हैप्पी टू डिस्कस माई एक्सपीरियंस एंड हाउ आई कैन बी ऑफ हेल्प इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बेस्ट योर नेम। अब इसके बाद प्लीज सी आई लव दिस 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 अबाउट योर प्रोडक्ट, वेबसाइट और ब्रांडिंग। यहाँ पे तुम्हें जिस प्रॉस्पेक्ट के बारे में तुम लिख रहे हो उसको बताना होगा कि यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। उसका जो भी वेबसाइट है या उसका जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में तुम्हें अच्छी नॉलेज है, तुम्हें यहाँ पे ये दिखाना होगा। उसके बाद देन रिलेट व्हाट यू लव अबाउट इट एंड अबाउट इट योर एक्सपीरियंसेस। जैसे कि एक एग्जांपल, आई लव दैट यू राइट अबाउट अल्टरनेटिव हेल्थ एज सम। अब यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना कि तुम ये बताओगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट्स की कंपनी की तुम्हें क्या बात अच्छी लगती है, और उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे एक हिंट भी देनी है कि तुम उस कंपनी में क्या ऐड ऑन कर सकते हो, जो तुम्हारी सर्विसेज हैं वो इस कंपनी को क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है, क्या ग्रोथ ला सकती है। सो दैट्स इट, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तुम ऐसे ही अपना कोल्ड पिच के जो ईमेल्स हैं उसको डिज़ाइन करना। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 4। अब इस स्टेप में यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट कोल्ड ईमेलिंग। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ 5 कंपनीज को ही स्टार्टिंग में कोल्ड पिच करो, क्योंकि तुम्हें उनको फॉलोअप मेल्स भी लिखने हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और साथ साथ ये ध्यान रखना, जो अपना ट्रैकर है उसको भी अपडेट करते रहना डेली आफ्टर कोल्ड पिचिंग। कोल्ड पिचिंग जिस कंपनी को करना है, स्प्रेडशीट से उसकी मेल निकाली, उनको मेल करा, उसके बाद तुमने वहाँ पर डेट नोट डाउन करी, और इसके अलावा अगर तुमने किसी कंपनी को फॉलो अप करना है वो सेम चीज़ चेक करी। सो दिस वे तुम्हें एक आदत बनानी होगी कोल्ड पिचिंग की। इस ट्रैकर के साथ साथ तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें आगे के स्टेप्स क्या करने हैं। सो दैट्स अबाउट इट, दिस इज अ परफेक्ट मास्टर क्लास ऑफ कोल्ड पिचिंग एंड दिस इज अ परफेक्ट मास्टर गाइड द स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो व्हेन यू कोल्ड पिच एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। उसके अलावा आई वांट टू गिव यू सम एडवाइस, अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, या इनफैक्ट आई वुड से अगर तुम एक्सपर्ट लेवल कंटेंट राइटर हो, तब भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें शुरू के 1 वीक 2 वीक या 3 वीक या उससे ज़्यादा कभी कोई ईमेल, जितने भी कोल्ड पिच तुमने मेल्स करे हैं उनका रिप्लाई ना है, ऐसा हो सकता है। उस केस में यू हैव टू प्लान योर स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हारे पास 3 वीक तक किसी भी प्रॉस्पेक्ट्स का मेल नहीं आया, और मैं ये 3 वीक तब कह रही हूँ जब तुमने रोज़ 5 प्रॉस्पेक्ट्स को मेल करा है, तो अगर हम देखें 7 × 3 = 21, 21 × 5 = 5, around 101। अगर तुमने 100 लोगों को कोल्ड पिच कर लिया है उसके बाद भी 1 महीने तक उनमें से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो दैट मीन्स तुमने स्प्रेडशीट में कुछ मिस्टेक्स करी है, यू हैव नॉट फाइंड द राइट प्रॉस्पेक्ट्स। उस केस में अगेन यू हैव टू गो, अपनी जो स्प्रेडशीट है उसको अपडेट करो और सही से टारगेट करो उन प्रॉस्पेक्ट्स को जिनको सच में कंटेंट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आई एम वेरी श्योर अगर तुम ये हैबिट 2 महीने तक फॉलो करोगे तो यू विल गेट एम्पल नंबर ऑफ क्लाइंट्स टू गिव यू अ गुड पैसिव इनकम मंथली। द सेकेंड वे टू गेट कॉन्टेंट राइटिंग जॉब इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तुम्हें अपना एक पेज तो ज़रूर से ज़रूर बनाना है टेलिंग दैट यू आर अ कॉन्टेंट राइटर, और उस पेज पे अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारा प्रोफेशन है, जो तुम्हारा राइटिंग स्टाइल है, या जो तुम जिस जिस तरीके का काम करते हो उसके रिलेटेड कॉन्टेंट डालना है, ताकि लोगों को लगे दैट चलो यू आर समबडी हु प्रोवाइड्स दिस 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 काइंड ऑफ वर्क, एंड इफ दे नीड अ कॉन्टेंट राइटर दे माइट कॉन्टैक्ट यू। अपने आप को मार्केट करना होगा इंस्टाग्राम पे। अब अपने आप को मार्केट कैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे कैसे क्लाइंट्स ढूंढते हैं, उस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाके पूरा देखो, और जो जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई हैं इंस्टाग्राम पे क्लाइंट्स ढूंढने की उसको फॉलो करो। थर्ड इज लिंक्डइन। सेम लिंक्डइन इज ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल इज सेम लाइक इंस्टाग्राम। यहाँ पे भी तुम्हें अपना एक प्रोफाइल बना के अपने आप को मार्केट करना है। और लिंक्डइन पे कैसे कंटेंट राइटिंग जॉब्स ढूंढते हैं उस पे भी एक वीडियो है, उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। फोर्थ इज़ फेसबुक।
दिस इज अ गुड सोर्स फॉर बिगनर्स. अगर तुम एक बिगनर कॉन्टेंट राइटर हो तो आई वुड हाईली एडवाइज यू कि तुम जितने भी कॉन्टेंट राइटिंग ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करो और उन पर देखो कि तुम कैसे कॉन्टेंट राइटिंग जॉब ढूंढ सकते हो. अगेन उस पर भी एक वीडियो है, लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगा. देन फिफ्थ इज़ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर गुरु एक्सेट्रा. अब बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं और इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अच्छा खासे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करते हैं. मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि कौन कौन सी टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं कॉन्टेंट राइटर्स के लिए. उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा. तुम वहाँ से जाके वो वीडियो देखो और समझो कि वहाँ पे फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं. उसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि फाइवर पे काफ़ी सारे कंटेंट राइटिंग जॉब्स हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम फाइवर पे कंटेंट राइटिंग गिग कैसे बनाओगे, कैसे अपने आप को शोकेस करोगे. अगर चाहो तो यू कैन ट्राई फाइवर ऑल्सो टू गेट कॉन्टेंट राइटिंग जॉब्स. अगेन इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विथ टॉप 10 कॉन्टेंट राइटिंग वेबसाइट्स फॉर बिगनर कॉन्टेंट राइटर्स एज वेल एज प्रोफेशनल कॉन्टेंट राइटर्स या जो भी कॉन्टेंट राइटिंग का काम ढूंढ रहा है. दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इन सारी टॉप 10 वेबसाइट्स पे तुम्हें हर तरीके का वर्क मिल सकता है. सो गो एंड वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड नाउ. द वेरी फर्स्ट प्लेस टू फाइंड कॉन्टेंट राइटिंग जॉब्स और द बेस्ट वेबसाइट टू फाइंड कॉन्टेंट राइटिंग गिग्स इज प्रो ब्लॉगिंग जॉब बोर्ड. यहाँ पर एक बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटी है और हंड्रेड्स ऑफ राइटिंग प्रोजेक्ट्स डेली बेसिस पे आते हैं. तुम्हें ब्लॉग राइटिंग का वर्क मिल सकता है, तुम्हें न्यूज लेटर राइटिंग का वर्क मिल सकता है, तुम्हें ईमेल राइटिंग का वर्क मिल सकता है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है. यू जस्ट हैव टू गो एंड पिच दोज क्लाइंट्स. यू विल गेट योर फर्स्ट कॉन्टेंट राइटिंग क्लाइंट प्रीटी ईजली एंड यू विल गेट डाइवर्स काइंड ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म. उसके बाद द सेकेंड बेस्ट वेबसाइट टू फाइंड कॉन्टेंट राइटिंग वर्क इज bestwriting.com. बेस्ट राइटिंग वेबसाइट वॉज स्टार्टेड बाई वन ऑफ द कॉन्टेंट राइटर्स. अब इस वेबसाइट पे डेली बेसिस पे काफ़ी सारी कंटेंट राइटिंग की जॉब्स पोस्ट होती हैं, जो कि कुछ रिमोट होती हैं, कुछ फुल टाइम होती हैं और कुछ फ्रीलांस पोजीशंस पे होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस पे. यहाँ पर जितनी भी जॉब्स पोस्ट होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज की ज़्यादातर होती हैं. एंड दे टेल यू द एंटायर इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें पैकेज कितना मिलेगा, पर्क्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कॉन्टेंट राइटिंग जॉब फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, गो चेक दिस आउट. The third place to find content writing work is my personal favorite and that is LinkedIn. तुम्हें LinkedIn पर जाना है और सर्च ऑप्शन में content writing jobs और साथ साथ वर्ल्ड वाइड सर्च करना है. तुम्हें बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी, तुम्हें बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि content writers को ढूंढ रही हैं. तुम्हें क्या करना है, जो कंपनी ढूंढ रही है उस कंपनी के HR को या उस कंपनी के रिक्रूटिंग मैनेजर को जाके पर्सनली मैसेज करना है, यू आर अ कॉन्टेंट राइटर विथ योर पोर्टफोलियो एंड आई कैन गारंटी यू, तुम अगर पर्सनलाइज इन सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे, दे विल डेफिनेटली लुक इन टू योर पोर्टफोलियो एंड इफ दे लाइक इट दे विल हायर यू. द फोर्थ प्लेस इज Contena.co. दिस इज नंबर वन वेबसाइट टू गेट freelance writing work एंड अदर रिमोट works. यहाँ पे कितने सारे members के testimonials ऑलरेडी उन्होंने Contena के थ्रू कितने सारे फ्रीलांस राइटिंग क्लाइंट्स पाए हैं. सो यू कैन ट्राई दिस वन एज वेल. यहाँ पर तुम्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट्स आते हैं. इंडियन क्लाइंट्स बहुत ही कम मिलेंगे, बाकी कंट्रीज के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे. सो इनफैक्ट तुम्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छा पे आउट मिल सकता है अगर यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको तुम अपने पोर्टफोलियो के साथ पिच करो. उसके बाद द फिफ्थ वन कैन इंटरेस्ट एनीबडी हु इज़ अ बिगनर कॉन्टेंट राइटर एंड दैट इज़ फ्रीलांस राइटिंग जॉब बोर्ड इज अगेन स्टार्टेड बाई वन ऑफ द फेमस कॉन्टेंट राइटर्स. वो क्या करते हैं, जितने भी कॉन्टेंट राइटिंग गिग्स पोस्ट होते हैं उसमें से जो टॉप 2% जो बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट राइटिंग गिग्स हैं वो यहाँ पर आके पोस्ट करते हैं, सो दैट इवन एंट्री लेवल कॉन्टेंट राइटर्स कैन गेट अ जॉब एंड कैन अर्न अ लिविंग. हमारा नंबर 6 पे आता है क्रेगलिस्ट. क्रेगलिस्ट की स्पेशलिटी ये है कि तुम अपनी सिटी, अपनी कंट्री और अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग क्लाइंट ढूंढ सकते हो. इनफैक्ट अगर तुम किसी और कंट्री या किसी और सिटी में रहते हो तो हो वहाँ बैठ के तुम दूसरी कंट्रीज और दूसरी सिटीज़ के लिए वर्क कर सकते हो. वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू टाइप कॉन्टेंट राइटिंग जॉब्स लेट्स से इन मेलबर्न, कॉन्टेंट राइटिंग जॉब लेट्स से इन टेक्सास. तुम ऐसे टाइप करना हो फिर तुम्हें एक लिस्ट मिलने लगेगी कि उन उन स्टेट्स में, उन सिटीज़ में कौन कौन सी कॉन्टेंट राइटिंग गिग्स की जॉब अवेलेबल है. यू हैव टू डू अ वराइटी ऑफ सर्च. यू हैव टू टारगेट उन सिटीज़ को, उन स्टेट्स को जहाँ पर ये सारे काम की ज़रूरत हो सकती है.
इसके बाद द सेवेंथ प्लेस इज अगेन माई फेवरेट प्लेस एंड इट इज़ फॉर एनी बडी हु जस्ट स्टार्टेड विद कॉन्टेंट राइटिंग एंड दैट इज Indeed.com. Indeed.com पे काफ़ी जेन्युइन वर्क मिलता है और काफ़ी सारे इंटर्नशिप और कॉन्ट्रैक्ट पोजिशंस पे वर्क मिलता है. तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर जाके सर्च करना होगा और ये ध्यान रखना जो कंपनी उस जॉब को पोस्ट कर रही है उसको एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेना जस्ट टू मेक श्योर दैट कंपनी इज जेन्युइन एंड यू आर नॉट गेटिंग स्कैम. बिकॉज कभी कभार मैंने देखा है इंडीड पे काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड कंपनीज भी पोस्टिंग्स डालती हैं, वो काम करवाती हैं एंड देन दे रन अवे. द नेक्स्ट एट वेबसाइट इज़ फॉर एक्सपीरियंस कॉन्टेंट राइटर्स, क्योंकि ये हमारी पेड वेबसाइट है और यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल के क्लाइंट्स हमें मिलते हैं. सो इफ़ यू आर समबडी जिसको एक्सपीरियंस है, जो कि 2 से 3 साल से कॉन्टेंट राइटिंग ऑलरेडी कर रहा है, सो दिस वेबसाइट इज़ फॉर यू. द नेम ऑफ दिस वेबसाइट इज़ राइटर्स वर्क. तुम्हें इस वेबसाइट पर $15 पर मंथ पे करना होता है सो दैट यू कैन सी द हाई टिकट कॉन्टेंट राइटिंग क्लाइंट्स. यहाँ पर तुम्हें जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छा पे करते हैं. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, यहाँ पर तुम्हें ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो तुम्हें $400 से $500 पे कर सकते हैं एक ब्लॉग पोस्ट का, बट दिस वन इज फॉर एक्सपीरियंस्ड. अगर तुम प्रोग्रेस कर चुके हो सो गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर राइटर्स वर्क राइट अवे. अब उसके बाद जो हमारी 9th कॉन्टेंट राइटिंग की वेबसाइट है दैट इज iWriter is not taking applications as of now, but बहुत जल्दी वो position open करने वाले हैं content writers के लिए, वो freshest content writers को लेने वाले हैं. So keep an eye on iWriter because here also you will get small content writing gigs as well as big content writing gigs. और एंड में आती है हमारी लास्ट प्लेस एंड दैट आर डिफरेंट फ्री लैंसिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि तुम्हारे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्री लैंसर हो गया, ग्रू हो गया, फ्लेक्स जॉब्स हो गया, पीपल पर आर हो गया. ऐसे बहुत सारे फ्री लैंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हर टाइम कोई ना कोई कॉन्टेंट राइटिंग की जॉब पोस्ट होती रहती है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. दीज वे द 10 बेस्ट प्लेसेस टू फाइंड कॉन्टेंट राइटिंग वर्क. आज का वीडियो इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूंगी, जैसे कि हाउ टू डू कॉन्टेंट राइटिंग, हाउ टू राइट आर्टिकल्स, हाउ टू राइट ब्लॉग पोस्ट, कॉन्टेंट राइटिंग करते टाइम आर्टिकल कैसे लिखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज के वीडियो में मैं तुम्हें एक लाइव एग्जाम्पल दूंगी कि एक आर्टिकल या एक ब्लॉग पोस्ट को स्टार्ट से एंड तक कैसे लिखा जाता है. सो आज की वीडियो में मैं वो जो चीज़ें कवर करूंगी वो होंगी तुम्हारे आर्टिकल की हेडलाइन, आर्टिकल का आउटलाइन, आर्टिकल में कीवर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी के में क्या लिखते हैं और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस इज द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल एंड ऑल्सो द वर्ड काउंट. जनरली अगर तुम एक क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखते हो तो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें बता देगा कि उसे कितना वर्ड काउंट चाहिए और टॉपिक क्या है आर्टिकल का. बट अगर तुम अपने ब्लॉग पे आर्टिकल डालना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, बस सुमो या गूगल ट्रेंड पे जाके जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है तुम्हारे नीश के रिलेटेड उनको कवर कर सकते हो. और अगर हम बात करें वर्ड काउंट की तो व्हाट यू हैव टू डू इज तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे आर्टिकल है उसका वर्ड काउंट तुम्हारे कॉम्पिटिटर वेबसाइट से 5-10% ज्यादा होना चाहिए ताकि वो जल्दी रैंक करे. कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स का पता लगाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज जो तुम्हारा टॉपिक है उसको गूगल पे सर्च करो और शुरू की जो 5-10 वेबसाइट्स होंगी तुम्हारी वही कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स होंगी. द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन इज द टाइटल. आज मैं जो यहाँ पे आर्टिकल लिखने वाली हूँ उसका टॉपिक है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज. बेसिकली आई विल बी राइटिंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज अ कंटेंट राइटर कैन प्रोवाइड. इसलिए मैंने इस आर्टिकल का जो टाइटल चूज करा है वो है 7 इररेजिस्टेबल कंटेंट राइटिंग सर्विसेज टू ऑफर एज अ कंटेंट राइटर. सबसे पहली बात, मैंने ये टाइटल इसलिए चूज करा क्योंकि इसमें मेरा जो मेन कीवर्ड है यानी कि जो मेरा टॉपिक है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज वो एज इट इज आ रहा है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे टाइटल में जो तुम्हारा मेन कीवर्ड है वो एज इट इज आए. सेकेंड थिंग इज आई हैव एडेड अ वर्ड इररेजिस्टेबल. इसको एड करने से जो मेरा टाइटल है वो थोड़ा क्लिकवर्थी बन गया. द थर्ड थिंग इज आई हैव एडेड अ नंबर दैट इज 7, क्योंकि स्टडीज से अगर तुम एक लिस्टिंग आर्टिकल लिखते हो जैसे कि 10 ways, 5 ways एक्सेट्रा, तो तुम्हारे जो आर्टिकल होता है उसका व्यू रेट, उसका क्लिक रेट कहीं ज्यादा हो जाता है. इसके अलावा लास्ट थिंग दैट आई हैव डन इज मैंने इस टाइटल को हेडलाइन एनालाइजर पे चेक करा है, यानी कि उसका स्कोर चेक करा है. जनरली आई प्रिफर 65 या 70 के अबव अगर तुम्हारे टाइटल का स्कोर आया है इट इज गुड इनफ, इट इज क्लिकवर्थी. सो यू शुड ऑल्सो डू द सेम. Now comes the third thing, that is finding your main keyword and secondary keyword. इस आर्टिकल का मेन कीवर्ड है content writing services.
इसके अलावा इस आर्टिकल के सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं कंटेंट राइटर सर्विसेज, वेबसाइट कंटेंट राइटर सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ कंटेंट राइटर, एसईओ कंटेंट राइटर सर्विसेज, वेब कंटेंट राइटर सर्विसेज, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर सर्विसेज, मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, प्राइसिंग। अब ये कीवर्ड मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके निकाले हैं। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको कैसे और कहाँ ढूंढे, मैंने ये सारी चीजें अपने एक ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है एसईओ कंटेंट राइटिंग। उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स द फोर्थ स्टेप, दैट इज आउटलाइनिंग योर आर्टिकल। आउटलाइनिंग योर आर्टिकल इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इट इज द मोस्ट टाइम टेकिंग स्टेप व्हेन इट कम्स टू कंटेंट राइटिंग। इस स्टेप में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले रिसर्च कर लेनी है। रिसर्च करके जो जो चीजें तुम्हें इंक्लूड करनी है, जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऐड कर लेनी है, उसको एक तरफ इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद यू हैव टू आउटलाइन योर आर्टिकल। आउटलाइन योर आर्टिकल मतलब तुम्हें देख लेना है कि वो कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जो तुम अपने आर्टिकल में डालोगे। उसके अलावा तुम्हारे आर्टिकल का कॉन्टेंट फ्लो कैसे होगा, कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ। वही सेम आर्टिकल कंटेंट राइटिंग सर्विसेज वाला, मैंने इस आर्टिकल का आउटलाइन कैसे बनाया है। आई एम प्लानिंग टू इंक्लूड 6 हेडिंग्स। अगर यहाँ पे देखो तो तुम इस आउटलाइन में जो मेन कीवर्ड है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज एज इट इज 3 बार आया है और वो भी मेन हेडिंग्स में आया है। सेम में तुम्हें भी ध्यान रखना है, तुम अपना मेन कीवर्ड कोशिश करो मेन हेडिंग्स में डाल लो। उसके अलावा जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको भी तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम हेडिंग्स में डालो। अब जो मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो सारे तो हेडिंग्स में इंसर्ट नहीं हो पाए, पर जितने भी हो पाए हैं मैंने वो सारे इंसर्ट करे हैं। तुम कोशिश ये करना कि तुम्हारे जितने भी सेकेंडरी कीवर्ड्स हो सके तो वो तुम्हारी हेडिंग्स में एज इट इज आ जाए। अब ये जो आर्टिकल का आउटलाइन है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बेनिफिट्स ऑफ ऑफरिंग मल्टीपल कॉन्टेंट राइटिंग सर्विसेज एज अ प्रोफेशनल कॉन्टेंट राइटर, थर्ड इज 7 हाई पेइंग कॉन्टेंट राइटिंग सर्विसेज। इसके अंदर 7 सब हेडिंग्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ईमेल आउटरीच, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन, वीकली मंथली न्यूज लेटर्स, ट्रांसक्रिप्शन। फोर्थ हेडिंग है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज प्राइसिंग। फिफ्थ है हाउ अ कंटेंट राइटर शुड स्टार्ट विद मल्टीपल सर्विसेज। एंड सिक्स्थ इज टेक अवे, दैट इज द फाइनल कंक्लूजन। अब ये सारी चीजें कर लेने के बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेप। इस स्टेप में यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आर्टिकल। अब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं हम एक इंट्रो से। इस आर्टिकल का जो मैंने इंट्रो लिखा है वो है, आर यू अ कंटेंट राइटर हु इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू अर्न अ डिसेंट मंथली इनकम, स्टिल अनअवेयर व्हाट ऑल कंटेंट राइटिंग सर्विसेज यू कैन ऑफर योर क्लाइंट्स। अभी जो फर्स्ट 3 लाइंस है यहाँ पे, आई हैव टोल्ड द प्रॉब्लम, रीडर्स विल फील कनेक्टेड क्योंकि वो भी सिमिलर इश्यूज फेस कर रहे होंगे। Now let's move to the next lines. When you start out as a freelance content writer, it's certain to feel overwhelmed. You may think content writing is only about blog posts and articles. Let me tell you, this is a common misbelief. ये जो next 3 lines हैं, इसमें you are just empathizing and telling it's a common problem and you will give them a solution. यहाँ पे you are trying to build an assurance readers के mind में that they have landed on the right page. Next lines. In this post, you will be amazed to see the top 7 high-paying, irresistible content writing services a content writer can offer. Scroll down to the list of professional content writing services you can offer that will increase your income and experience. Ab yahan pe you are giving the solution. तुम रीडर को बता रहे हो कि यू हैव कम अप विथ 7 ब्रिलियंट सॉल्यूशन। इसके अलावा देखो, मैंने यहाँ पे जो अपना मेन कीवर्ड है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज उसे भी एज इट इज यूज कर लिया है। तो तुम्हें भी इंट्रो लिखते टाइम ये ध्यान देना है कि तुम्हारा इंट्रो में तुम प्रॉब्लम बताओ, उसको सॉल्यूशन बताओ और रीडर्स को एक अश्योरेंस दो। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे अपना कीवर्ड भी लिख लेना है और इसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर जो तुम्हारा इंट्रो है वो 150 वर्ड से ज्यादा ना हो। अब इसके बाद आता है हमारा 6th स्टेप, दैट इज फिलिंग द बॉडी। बॉडी फिल करते टाइम तुम्हें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, जितने भी तुम्हारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको बहुत ही नेचुरली 2 या 3 बार अपनी मेन बॉडी में डालना है। सेकेंड चीज, तुम्हें शॉर्ट क्रिस्प पैराग्राफ्स बनाने हैं। इसके अलावा इसमें तुम जो भी सेंटेंसेस लिखोगे वो बहुत लॉन्ग नहीं होने चाहिए। तुम 2 आइडियाज को एक सेंटेंस में क्लब नहीं करोगे, एक आइडिया पर सेंटेंस और शॉर्ट पैराग्राफ।
इसके अलावा जहां पे हो सके वहां पे बुलेट पॉइंट्स का यूज करोगे। अब जैसे मेरी जो सेकेंड हेडिंग है वो है बेनिफिट्स ऑफ ऑफरिंग मल्टीपल कॉन्टेंट राइटिंग सर्विसेज एज अ प्रोफेशनल कॉन्टेंट राइटर। एज अ कॉन्टेंट राइटर द मोर थिंग्स यू विल ऑफर द मोर यू विल अर्न। इसमें मैंने कोशिश करूंगी कि मैं पॉइंट वाइज ABC करके समझा दूं कि कॉन्टेंट राइटिंग सर्विसेज के बेनिफिट्स क्या है। तुम्हें भी यही कोशिश करनी है, जहां पे हो सके पॉइंट्स वाइज रीडर को समझाओ, क्योंकि उससे जो तुम्हारा आर्टिकल होता है उसका रीडेबिलिटी बढ़ता है और जल्दी चीजें समझ में आने लगती हैं रीडर को। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन आर्टिकल लिख के दिखाऊं, क्योंकि अगर वैसा करूंगी तो 4 to 5 hours लग जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से दिखा दूंगी कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इसके बाद आती है हमारी मेन सब हेडिंग, दैट इज 7 हाई पेइंग कॉन्टेंट राइटिंग सर्विसेज। इस मेन हेडिंग की मैंने 7 सब हेडिंग्स करी हैं, और जो इसकी पहली सब हेडिंग है उसको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे लिखा है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि बॉडी में कैसे चीजें फिल करते हैं। ईच एंड एवरी बिजनेस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर और सोलोप्रेन्योर नीड्स टू पोस्ट कॉन्टेंट ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल्स। इट्स टिपिकल फॉर देम टू नॉट हैव टाइम टू बी ओनली प्रेजेंट ऑन ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट इज वाई दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ राइटर्स हु कैन राइट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर देम। एज अ राइटर यू कैन प्रोवाइड रिटन कॉन्टेंट टू इमेजेस एंड वीडियोज दे पोस्ट ऑन वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स। यू कैन वर्क एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, यू हैव टू राइट शॉर्ट एंड एंगेजिंग कॉन्टेंट ऑन देयर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन। देर आर डजन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु आर लुकिंग फॉर सच कॉन्टेंट writers, as otherwise it would be hard for them to connect with their online audience. Here is an example of social media writing. अब यहाँ पे ये जो मैंने चीज कवर करी है उसमें मैंने ध्यान रखा है कि मैं जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीजें हैं उनको लिखूं। पहले किस किस को ऐसे राइटर्स की जरूरत होती है और क्यों होती है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया राइटिंग सर्विसेज करते टाइम तुम्हें क्या क्या करना होगा और कितनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखाया है कि सोशल मीडिया राइटअप्स में कैसे लिखना होता है। अब इस सेम तरीके से जो मेरी बाकी बॉडी है और जो मेरी लेफ्ट ओवर 6 हेडिंग्स हैं मैं उनको कवर करूंगी। और तुम्हें भी यही ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने आर्टिकल की बॉडी में लॉजिकल कंसाइज क्रिप्स सेंटेंसेस लिखने हैं और एक कॉन्टेंट फ्लो बनाना है। इसके अलावा जहां पे भी हो सके तुम्हें पिक्चर्स, इमेजेस ऐड करनी है या इन्फोग्राफिक्स ऐड करना है, क्योंकि ऐसा ऐड करने से रीडर्स को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और वो तुम्हारे पेज पे टिके रहेंगे। अब जो मेरी नेक्स्ट सब हेडिंग्स हैं वो है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज प्राइसिंग, हाउ अ कंटेंट राइटर शुड स्टार्ट विद मल्टीपल सर्विसेज। इसको भी मैं सेम तरीके से फिल कर लूंगी और एंड में मैं एक कंक्लूजन लिखूंगी। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि मैंने कंक्लूजन कैसे लिखा है। You can start with these 7 wonderful content writing services today. They can be a powerful income boost. You can start by creating few samples, sending cold emails and marketing your services on your social media handles. Let me know which is the first content writing services you are going to offer in the comment section. मैंने देखो जो कंक्लूजन है उसमें बहुत शॉर्ट में बता दिया है कि ये सर्विसेज हैं, तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो और मुझे बताना कि तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है। ये कंक्लूजन भी बहुत छोटा और स्वीट है, तुम्हें भी ऐसे ही लिखना है। अब ये था एग्जाम्पल कि मैं आर्टिकल कैसे लिखती हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कॉपी एज इट इज, क्योंकि मैं एक आर्टिकल इस टाइप से लिखती हूँ, दूसरा आर्टिकल दूसरे टाइप से लिखती हूँ, डिपेंडिंग मेरी ऑडियंस क्या है और मेरा टॉपिक क्या है। आई वुड सजेस्ट यू जो मैंने स्टेप्स बताए हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तुम उन सबको फॉलो करो। आई कैन बी सर्टन कि तुम्हें आर्टिकल राइटिंग करना आ जाएगा। If you are a content writer and you think the only way to make money as a content writer is writing blog posts or articles for website, then let me tell you, my friend, you are absolutely wrong. There are a lot of career options that you can take as a content writer. Aaj ke is video mein we will talk about those top 7 career options for content writers. और यही नहीं, इन सारे options का pay out भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. So without further ado, let's start the video. The first and foremost career option for content writer is social media writing. If you are somebody जिसको creative writing लिखना ज़्यादा पसंद है as compared to informational writing जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा research करनी होती है. If you have a creative mind, if you are a storyteller, then you should definitely go only and only for social media writing. Social media writing की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आजकल जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी हमारे
ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सबका एक सोशल हैंडल होता है और हर एक सोशल हैंडल पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे उनके फेसबुक का पेज हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर एक पे ये कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे पोस्ट डालना चाहते हैं सो दैट देयर ब्रांड अवेयरनेस एंड देयर ब्रांड वैल्यू इंक्रीजेज. और इसी के लिए व्हाट दे डू इज दे हायर सोशल मीडिया राइटर्स जो कि इनके सोशल मीडिया हैंडल के पोस्ट लिखेंगे, कैरोसेल्स बनाएंगे, रील का कॉन्टेंट लिखेंगे, कैप्शनिंग करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इफ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड, डेफिनेटली गो फॉर दिस करियर ऑप्शन. उसके बाद द सेकेंड करियर ऑप्शन फॉर कॉन्टेंट राइटर इज बींग अ मैगजीन राइटर और अ न्यूज़ राइटर. अब तुम्हें पता होगा आजकल कितनी सारी ई मैगजीन्स आने लगी हैं, और पहले तो फिजिकल मैगजीन्स भी आती थी, अब भी आती हैं, बट उनकी डिमांड काफ़ी कम है क्योंकि हमारे डिजिटल मैगजीन्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है. इसीलिए जितने भी ये मैगजीन राइटर्स होते हैं उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है. स्पेशली आउटसाइड इंडिया इन सारी मैगजीन राइटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. और इसके अलावा अगर तुम्हें पता हो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन सबका एक एक डिजिटल मीडिया हाउस है, उनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं. सो यू कैन बी अ न्यूज़ राइटर और अ मैगजीन राइटर. स्टार्ट अप्लाइंग टू ऑल द मैगजीन्स एंड दिस न्यूज़ मीडिया हाउसेज, तुम्हें अच्छे खासे क्लाइंट मिल जाएंगे एंड टारगेट नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो कंट्रीज आउटसाइड इंडिया. द थर्ड करियर ऑप्शन इज फॉर एक्सपीरियंस्ड कॉन्टेंट राइटर. इफ यू आर अ कॉन्टेंट राइटर विथ 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट कॉन्टेंट एडिटिंग. एडिटिंग में तुम्हें बेसिकली क्या करना होगा, जितने भी आर्टिकल्स तुम्हें अपने क्लाइंट देता है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, ग्रामेटिकल एरर्स देखने होंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन देखना होगा, हो सकता है SEO भी देखना हो सकता है कीवर्ड स्टफिंग देखनी हो. उसके अलावा तुम्हें बेसिकली उस आर्टिकल को और पॉलिश बनाना होगा, यानी कि लिखने का काम कोई करेगा, बस तुम्हें चेकिंग करनी होगी. काफ़ी सारे ऐसे मार्केट में टूल्स आने लगे हैं जैसे कि हेमिंगवे ऐप एडिटर, ये तुम्हारा ग्रामरली, जिसकी हेल्प से तुम कॉन्टेंट एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो. सो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्रोच एनी डिजिटल मीडिया हाउसेज जिनकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हो, और यू कैन अप्रोच ब्लॉगर्स जिनके काफ़ी सारी वेबसाइट्स होते हैं एंड दे नीड अ कॉन्टेंट एडिटर जो कि उनके जो फ्रीलांस राइटर्स आर्टिकल लिखते हैं उसको अच्छे से एडिट कर पाए और उसको पब्लिश वर्दी बना पाए. सो एज अ कॉन्टेंट राइटर यू कैन थिंक अबाउट दिस ऑप्शन टू. अब इसके बाद द फोर्थ करियर ऑप्शन फॉर कंटेंट राइटर इज ब्लॉगिंग. तुम्हें पता होगा इंडिया में, इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया, कितना ज़्यादा ब्लॉगिंग का ट्रेंड है. काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि लैक्स में क्रोर्स में अर्न कर रहे हैं ब्लॉगिंग के थ्रू. तुमने सुना होगा yourstory.com जो कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी स्टोरी पब्लिश करता है अपनी वेबसाइट पे. दिस पर्टिकुलर वेबसाइट वॉज स्टार्टेड बाय श्रुति एंड दिस पर्टिकुलर वेबसाइट अर्न्स अराउंड $30,000 पर मंथ. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ ब्लॉग जिसका एक डिफरेंट आइडिया हो, एक डिफरेंट टॉपिक पे हो, या तुम माइक्रो निशन करके एक सब ब्लॉग भी बना सकते हो. अब तुम इंडियन ऑडियंस के लिए भी ब्लॉग बना सकते हो, जो कंट्रीज आउटसाइड इंडिया है उनके लिए भी ब्लॉग बना सकते हो. अब ब्लॉगिंग तुम अगर इंडियन ऑडियंस के करोगे तो तुम्हारा इनकम थोड़ा सा कम होगा, बट अगर तुम बाहर की ऑडियंस के लिए करोगे ब्लॉगिंग तो तुम्हारा इनकम जो रेवेन्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. माइक्रो निशिंग कर लेना, ब्लॉग कैसे स्टार्ट करते हैं मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लिंक यहाँ डाल दूंगी एंड यू कैन स्टार्ट विद दिस आइडिया टू. द फिफ्थ करियर ऑप्शन फॉर कॉन्टेंट राइटर इज कॉपी राइटिंग. तुम्हें पता होगा कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. कंटेंट राइटिंग में तुम इंफॉर्मेशनल बेस्ड कंटेंट लिखते हो और कॉपी राइटिंग में तुम क्रिएटिव कंटेंट लिखते हो दैट अलाउज एनी प्रोडक्ट और एनी बिजनेस टू सेल एंड कन्वर्ट. अब जो तुम्हारी कॉपी राइटिंग होती है उसका जो पे आउट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेंट राइटिंग. अगर तुम्हें कॉपी राइटिंग सीखना है देन यू कैन फॉलो माइक नर्डी, उसने काफ़ी सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं कॉपी राइटिंग के. So this is yet another amazing career option for content writers. The next career option for content writer is being a content marketer. As a content marketer, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना होगा, पब्लिश करना होगा. ये हो सकता है तुम्हारा वीडियो कंटेंट, ये हो सकता है तुम्हारा आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट, और ये हो सकता है तुम्हारा सोशल मीडिया का कंटेंट. इसके अलावा मार्केटिंग में जितना भी कंटेंट यूज़ करा जाता है ये कंटेंट वो भी हो सकता है. तो तुम्हें डिफरेंट जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं उसका जितना भी कंटेंट होता है उसको क्रिएट करना होगा और उसको मार्केट करना होगा टू क्रिएट अ प्रेजेंस एंड अवेयरनेस ऑनलाइन. ये बेसिकली तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी होती है टू इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बिजनेस. अब कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए तुम्हें कंटेंट राइटिंग ऑलरेडी आनी चाहिए. ये एक फर्दर स्टेप होता है एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर का. सो इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर डू चेक दिस करियर ऑप्शन.
उसके बाद द लास्ट एंड द सेवेंथ करियर ऑप्शन फॉर कंटेंट राइटर इज राइटिंग न्यूज़लेटर्स। तुमने देखा होगा आजकल जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इनफैक्ट आजकल तो लिंक्डइन वाले भी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हर एक का एक मंथली या वीकली न्यूज़लेटर आता है। अब ये क्या करते हैं, ये न्यूज़लेटर्स किसी और कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं। दे डू नॉट राइट ऑन देयर ओन, ऑल्दो दे गिव द कॉन्टेक्स्ट एंड द आइडिया व्हाट शुड बी देयर इन द न्यूज़लेटर, बट द लेटर इज रिटन बाय समबडी एल्स। So you can pitch all these content creators and check whether they are looking for a newsletter writer. अब न्यूज़लेटर्स को लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। इसमें बेसिकली तुम्हें एक आइडिया देना होता है कि तुम्हारे इस मंथ में क्या करा और तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। इनफैक्ट आजकल मैं बात करूँ, जो मेरे बेटे का स्कूल है उसका भी एक मंथली न्यूज़लेटर आने लगा है। सो इफ़ आई सी इवन दीज स्कूल्स आर टारगेटिंग पीपल थ्रू मेल्स एंड न्यूज़लेटर इज येट अनदर ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन, साइड इनकम ऑप्शन फॉर बिगनर कॉन्टेंट राइटर्स। So that's it about today's video. If you like this video और तुम्हें लगा हो ये career options तुम्हें नए लगे हों और तुम्हें लगा हो इनमें से तुम्हारे लिए कोई बहुत ज़्यादा fruitful होता है, तो video को like कर देना और comment section में ज़रूर बताना कि तुम क्या करने वाले हो। I wish you all the best.